खबर दीपालपुर से। कोरोना से निपटने के लिए तैयारी तेज। दीपालपुर सरकारी अस्पताल में मॉक ड्रिल का आयोजन। कोरोना वायरस ने एक बार फिर राहत दी है। विदेशों से आने वाली यात्री संक्रमित मिल रहे हैं, जिसके बाद से सरकार और अलर्ट हो गई है। मंगलवार को शिवराज सरकार द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी सुनिश्चित करने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकारी अस्पताल की तैयारियों के बारे में जानकारियां प्राप्त की गई। दीपालपुर SDM रवि वर्मा, तहसीलदार भास्कर काचले ने खुद दोपहर 2 बजे सरकारी अस्पताल में होने वाली मॉक ड्रिल का जायजा लेने पहुंची। अभ्यास स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, आइसोलेशन बेड की क्षमता, ऑक्सीजन समर्थित बेड, ICU बेड, वेंटिलेटर समर्थित बेड, डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिक्स, आयुष डॉक्टरों की अधिकतम उपलब्धता जैसे मापदंडों को परखा। इस दौरान सरकारी अस्पताल के कायाकल्प पर भी SDM रवि शर्मा ने विशेष रुचि लेते हुए ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अभिलाष सिवरिया को निर्देशित किया। आज CSC दीपालपुर का हमने सभी लोगों ने भ्रमण किया था। ऑक्सीजन प्लांट अभी फंक्शनल है, जो लास्ट कोविड 10 ईयर में गवर्नमेंट द्वारा आया था। फोन अच्छा स्थिति में 96% की क्योरिटी आ रही है। मैंने सभी नोजल्स पे भी उसकी सप्लाई देखी है, अच्छा प्रेशर के साथ ऑक्सीजन, दैट इज सेटिस्फैक्ट्री वर्क। उसके अलावा अभी हम कायाकल्प में भी BMO गोपालपुर में काफ़ी मेहनत की है, और क्योंकि अभी फिर भी बहुत काम बचा है हमें करने के लिए। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हम सुधार रहे हैं अस्पताल का। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी शिकारों के लोगों को बैठने की व्यवस्था है, वार्ड को हम एयर कंडीशन करने का प्रयास कर रहे हैं, साफ़ सफाई प्रॉपर हो, और एक बेसिक फैसिलिटी जो CHC में अच्छी मिलती है शासन में, उसका हम प्रयास। खबर भारतवर्ष के लिए दीपालपुर इंदौर से संदीप सेन की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।